नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या इसराइल ईरान पर हमला करने से हिचक रहा है और इस हिचक के पीछे क्या किसी तरह का कोई डर है? आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ईरान के इतने बड़े हमले के बाद भी अब भी जो इसराइल है वो चुप बैठा है। इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, लगातार यही बात हो रही है कि हमले तो हो रहे हैं हिजबुल्ला पे, हमास पे, तमाम जगहों पर इसराइल की तरफ से, लेकिन ईरान के लिए किसी तरह से कोई स्ट्रेटजी अब तक दिखाई नहीं दे रही है इसराइल की। ये जो हिचक है, ये जो चुप्पी है, ये जो हमला ना करने वाली स्ट्रेटजी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बात तो साफ है कि ईरान ना तो लेबनान है और ईरान ना गाज़ा है। ये दो इलाके ऐसे हैं, लेबनान और गाज़ा में, जहां इसराइल का जब मन हुआ, जहां ज़रूरत पड़ी, उसने अपने फाइटर प्लेन्स भेजे, वहां पे मिसाइल से टारगेट किया और तबाही मचा दी। लेकिन ईरान के साथ ये नहीं हो सकता। ईरान जो है उसको, वो एक मजबूत कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, उसकी अपनी सैनिक क्षमता है, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय जो आप ये कह रहे हैं कि इसराइल ने अभी तक हमला क्यों नहीं किया, सब जगह ये चर्चा थी इंटरनेशनल मीडिया में कि अब जो है इसराइल हर बार की तरह तुरंत ईरान पर हमला कर देगा। लेकिन जो आप ये कह रही हैं, इसकी इंटरनेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चाएँ हैं कि आखिर इसराइल जो है हमला करने से क्यों देर हो रही है, क्या इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, हम आपको बताते हैं, मैं आपके साथ दो चीजें शेयर करना चाहूंगा। एक तो इसराइल की कुछ मीडिया एजेंसीज हैं जिसमें एक चर्चा हो रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से नेतन्याहू को यह ऑफर किया गया है कि अगर आप ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे और वहां के ऑयल जो डिपोज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, अगर आप इस पे हमला नहीं करते हैं तो हम आपको सैन्य मदद और बढ़ाएंगे, हम आपको फाइनेंशियल मदद और बढ़ाएंगे। अब आप समझ रहे हैं नीलू, ये बड़ी अजीब स्थिति है। अगर ऐसा है, देखिए, हम ये दावा नहीं करते कि ये सच है या नहीं है, लेकिन कुछ एजेंसीज, कुछ न्यूज, सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चा है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है इसराइल को कि आप देखिए, आप जो है वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला मत कीजिए। तो अमेरिका तो, बाइडन पहले ही कह चुके हैं, बाइडन तो सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं कि अग्रेशन को देखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसराइल जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और अमेरिका की बात नहीं सुन रहा है, कहीं इसी को लेकर कोई बड़ी गलती ना कर दे। बिल्कुल, हाँ, मैं इसी पे, हाँ, इसी पे आ रहा हूँ। देखिए, हाँ, जैसे होता है ना कि स्कूल में आप किसी बच्चे को आप स्कूल भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई स्कूल में जाके देखो ना, देखो आप किसी के साथ मारपीट मत करना, अगर आप अच्छे से रहोगे तो हम आपको चॉकलेट देंगे, टॉफी देंगे। तो ये कुछ बड़ा अजीब सा बयान है या अजीब सी ये बात है कि अगर अमेरिका की तरफ से ये कहा जाए नेतन्याहू को, इसराइल को, कि भाई आप जो है वो न्यूक्लियर साइट को निशाना मत बनाइएगा, हम बदले में आपको जो है वो फाइनेंशियल एड भी देंगे और हम आपको सैन्य सहायता भी देंगे। अब देखिए, असल में है क्या, एक CIA, मैं आपको बयान बनाता हूं, बताता हूं, CIA चीफ हैं विलियम बर्न्स, इनके जो चीफ हैं, इनका एक बयान आया है, इन्होंने कहा है कि इस पूरे इलाके में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकैलकुलेशन जो है एक बहुत गंभीर बड़े युद्ध को खड़ा कर सकती है। अब ये जो मिसकैलकुलेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं विलियम बर्न्स, ये न्यूक्लियर, देखिए, इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है वो क्या इसराइल को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करना चाहिए या वो कमला करेगा या नहीं करेगा। जो बाइडन और अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला होता है तो उसका परिणाम भयंकर युद्ध होगा। वो ऐसा कोई आसान छोटा युद्ध नहीं होगा लेबनान की तरह की जो है बस आपने स्ट्राइक कर दी और बात खत्म हो गई। उसके बाद जो परिणाम होंगे वो भयंकर होंगे। और देखिए, यही वजह है जो ये CIA चीफ विलियम बर्न्स कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ मिसकैलकुलेशन कर लिया तो फिर परिणाम देख लीजिए। अमेरिका, अगर पीछे हम थोड़ा जाके देखें, अमेरिका ने कई बार नेतन्याहू को या इसराइल को बहुत बार चिताया, लेकिन उसकी बात ना मानते हुए कई बार उसने ऐसे कदम, हाँ। क्या आपको लगता है कि यही वजह है कि इस तरह का प्रलोभन, एक तरह से लोभ या फिर लालच दिया जा रहा है नेतन्याहू और इसराइल को कि भाई ऐसा कुछ ना कर दे जिससे कुछ बड़ा विध्वंसक हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखिए, एक तो इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं योव गैलेंट, वो 24 घंटे की यात्रा पे आज अमेरिका में हैं। अच्छा, वो 24 घंटे के लिए अर्जेंट यात्रा पे अमेरिका गए हैं और वो वहाँ पे US डिफेंस सेक्रेटरी जो है, रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन, इनसे उनकी मुलाकात होगी। तो आप ये मान के चलिए कि अगले 24 घंटे में ये बात तय हो जाएगा कि इसराइल क्या करने वाला है।
और ये कहा जा रहा है ऐसा, देखिए पेंटागन के जो अधिकारी हैं वो भी इस बात को लेके हैरानी जता रहे हैं, उनका भी कहना ऐसा है कि क्या अमेरिका की अनुमति परमिशन लिए बिना इसराइल क्या ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर देगा या फिर वहाँ के ऑयल रिफाइनरीज पे हमला कर देगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मतलब अमेरिका की परमिशन के बिना इतनी बड़ी हरकत करना, इतना बड़ा अटैक करना इसराइल के लिए, बड़ा सपोर्टर तो अमेरिका ही है, तो ये बहुत बड़ा खतरनाक होगा। देखिए उसकी वजह क्या है, बार बार अमेरिका इस चीज से जो कह रहा है कि आपको न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक नहीं करना चाहिए या ऑयल रिफाइनरीज पे आप अटैक करते हैं, देखिए उसके पीछे की वजह क्या है कि एक तो ईरान पे हमले का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो ईरान तक ही मामला सीमित है, देखिए पीछे पुतिन भी खड़े हुए हैं और यहां तक की खबरें आ रही हैं कि ईरान और रूस ने मिलकर एक अच्छी खासी वॉर ड्रिल भी शुरू कर दी है। अच्छा, और ऐसी खबरें भी हैं खुफिया एजेंसीज के द्वारा कि ईरान के कई फाइटर पायलट्स जो हैं वो इस समय रशिया में हैं, रूस में हैं और वहाँ पे एक प्रकार की वॉर प्रैक्टिस चल रही है। ईरान के पायलट्स को रशिया जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है। यानी कि मयंक, अगर एक तरफ से अमेरिका पीछे खड़े होके इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ भी खुलकर पुतिन कुछ नहीं कह रहे हैं, रूस भी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन सपोर्ट पूरी तरह से, क्योंकि जो न्यूक्लियर प्लान है इनका ईरान का, उस पर भी कहा जा रहा है कि बहुत मदद रूस ने किया है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और देखिए अभी हमने पिछले अपने वीडियो में जो चर्चा की थी कि जो ईरान में अचानक से भूकंप आया था 4.5 रिक्टर स्केल पे, तो ये कहा जा रहा था उसमें दो अनुमान चल रहे थे, एक तो ये कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया और उस तरह से कई मीडिया में ये भी चर्चाएं अचानक से छिड़ गई थी कुछ घंटे के लिए कि कहीं ये इसराइल ने तो कहीं ईरान के किसी न्यूक्लियर साइट पर अटैक नहीं कर दिया और इसको लेकर अचानक से चर्चाएं चली। लेकिन फिर ईरान की तरफ से IRGC की तरफ से साफ किया गया कि ऐसा कोई हमला हम पे नहीं हुआ है, फिर उस चर्चाओं पे फिर जो है विराम लगा। तो देखिए कुल मिला के मामला ये है कि इस अगर किसी भी तरह का इसराइल अटैक करता है ईरान पे तो उसके बाद रूस का इसमें शामिल होना एकदम तय, मानिए आप ऐसा, ये बिल्कुल। और दूसरी तरफ सिर्फ रूस ही नहीं, उसे नॉर्थ कोरिया जो है किम जोंग है वो भी तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने अभी परसों 4 दिन पहले धमकी दे दी है कि अगर साउथ कोरिया किसी तरह की हमारे खिलाफ किसी तरह का एग्रेशन करता है तो हम तो सीधा न्यूक्लियर हमला कर देंगे। तो उधर से किम जोंग जो है वो भी ईरान की मदद के लिए खड़े हैं, पुतिन तो साथ में खड़े ही हैं और चीन भी, आप जान ही रहे हैं। मतलब यही हुआ कि अगर ईरान न्यूक्लियर से बिल्कुल पावर से अगर कह सकते हैं स्ट्रेंथेबल हो जाता है तो इसका बहुत फायदा ईरान को पहुंचे। हाँ, उसके बाद ये है कि देखिए अगर कोई भी कंट्री खुद को अगर न्यूक्लियर पावर घोषित कर देती है या उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है, उसके बाद जो है फिर वो वहाँ उससे वो एक प्रकार का डिटरेंट हो जाता है, उसके बाद फिर उस पर हमला करना आसान नहीं है। हाँ, मतलब उसके बाद फिर आप बहुत कैलकुलेशन, इसी की बात जो CIA चीफ कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं बार बार कि अगर आपने जरा सा भी मिस कैलकुलेशन किया तो ये बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अच्छा, एक चीज और जो है यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी है कि अगर हम इसराइल और ईरान की जो आपने शुरू में कहा था, अगर आप इनकी सैन्य क्षमताओं की तुलना करें तो देखिए अगर हम सैनिकों की ग्राउंड फोर्सेस की बात करें तो इसराइल के पास 6,70,000 जो है वो फोर्सेस हैं और ईरान के पास 11,80,000 है जो ग्राउंड फोर्सेस है। देखिए अगर पर सबसे ज्यादा, मतलब कहते हैं कि जो उनके पास फोर्सेस हैं ग्राउंड पे हैं वो ज्यादा है ईरान के पास है, 6.5 लाख करीब इसराइल के पास है, ईरान के पास 11 लाख है। आप देखिए कि अच्छा एयरफोर्स के मामले में जो है वो 89,000 जो टोटल लोग हैं वहाँ पे फाइटर्स हैं वो 89,000 है और ईरान के पास वो 42,000 है। तो जब एयर वॉर की स्ट्राइक्स की बात होती है तो वहाँ पे थोड़े में ज़्यादा डिफरेंस है। उसी तरह थल सैनिकों की अगर बात होए, टोटल हमने सैनिक बताया, अगर थल सैनिकों की बात होए तो 5,26,000 सैनिक जो हैं वो इसराइल के पास हैं और करीब 3.5 लाख जो हैं ईरान के पास है। नौ सैनिकों की बात हो तो 19,500 जो है वो नौ सैनिक जो हैं वो इसराइल के पास हैं और 18,500 जो हैं वो ईरान के पास है। वैसी लड़ाकू विमानों की बात हो तो 241 फाइटर प्लेन्स जो हैं वो इसराइल के पास हैं, 186 ईरान के पास है। ट्रांसपोर्ट विमान जो है वो 12 इसराइल के पास है, 86 ईरान के पास है। हेलीकॉप्टर्स 146 इसराइल के पास है, 129 जो है वो ईरान के पास है। अगर टैंक्स की बात हो तो 1370 टैंक्स इसराइल के पास है और 1900 से ज़्यादा टैंक्स ईरान के पास है। देखिए हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा हमने एक बताने का पीछे का मकसद ये है कि
लेबनान में जो स्थिति है, आप देखिए लेबनान में इसराइल लगातार हर रात बमबारी हो रही है, पूरे बेरूत में स्ट्राइक हो रही है, दक्षिणी लेबनान में बम बरसाए जा रहे हैं। यहाँ पे लेबनान के पास कोई अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और ना ही वो काउंटर करने की क्षमता में है इसराइल को। ऐसे ही हाल गाजा में था। लेकिन जब ईरान से अगर युद्ध होगा तो ऐसा बताया जाता है कि रूस ने, हमने जिसकी पहले चर्चा की थी कि रूस ने अपना एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को दे रखा है। ईरान अपने आप में बहुत सक्षम है बहुत सारी चीजों में, ठीक है, कई जो जंगी जहाजें हैं या फिर हेलीकॉप्टर्स हैं या बहुत सारी ऐसी है जिसमें कि कहा यह जा सकता है कि इसराइल से थोड़ा पीछे है, लेकिन उसको कम आंकना सही बिल्कुल कम नहीं आंका जा सकता। और अब तो जो है, आपको जो बता रहे हैं कि रूस ने ऐसा कहा जाता है, ऐसी चर्चा है सोशल मीडिया की, अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी दे रखा है ईरान को कि अगर कोई बड़ा अटैक इसराइल की तरफ से हो तो उसको भी कैसे फेल करना है। तो रणनीति पूरी तैयार है और रूस की पूरी बैकिंग है। तो ये जो है, और देखिए आप पिछले कुछ समय से जैसे हम जो आज CIA चीफ के हमने जिक्र किया विलियम बर्न्स का, विलियम बर्न्स जो है वो CIA भी काफ़ी समय से ही जो कोशिशें हो रही थी अमेरिका की तरफ से कि कोई बड़ा वॉर ना हो ईरान और इसराइल के बीच में और जो है एक सीज फायर वाली स्थिति पैदा हो जाए, इसके पीछे विलियम बर्न्स लगातार कोशिश कर रहे थे। मयंक, कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, युद्ध होगा नुकसान होगा देशों का होगा। कहते हैं युद्ध से कई साल पीछे कोई देश चला जाता है और वहां से उभरने में उसको अच्छा खासा वक्त लगता है। लेकिन फिर भी स्थितियां लेकिन सवाल यह है कि नेतन्याहू तो बदला लेना चाहते हैं। इसराइल जो है वो वहाँ की सेना कह रही है, IDF के चीफ कह रहे हैं कि जगह भी हम तय करेंगे, वक्त भी हम तय करेंगे। नेतन्याहू के ऊपर भी बड़ा एक दबाव है। देखिए ईरान की तरफ से 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुई जो इसराइल पे गिरी है, कई आयरन डोम ने उसको ख़त्म भी किया, लेकिन बहुत सारी मिसाइल्स गिरी भी हैं जिसमें बहुत तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। और अब तक जो उनके बंधक थे उनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया, इतना तो विध्वंस हुआ है, चाहे वो गजा में हो या फिर लेबनान में हो। वो तो ऐसा लगता है कि आप सही कह रहे हो, वो तो ऐसा लगता है कि मुद्दा पीछे छूट गया। वो मुद्दा पीछे छूट गया, जो बंधक थे छुड़ाने वाली बात थी वो अब पीछे छूट गई है। और ये बरसी के समय हमने देखा कि इसराइल के लोग, इसराइल में प्रदर्शन हुआ, बिल्कुल इसराइल में प्रदर्शन हुआ। और पूछ रहे हैं कि आखिर उसका क्या हुआ, जो बंधक अभी जो हमास के पास है उनका कुछ पता नहीं चला। देखिए ऐसा लगता है कि ये जो बंधक वाली सिचुएशन है ये तो एक तरफ छूट गई है गजा से, अब ये लेबनान वाला फ्रंट खुला हुआ है, यहाँ पे लड़ाई चल रही है। और उसके बाद अब ये ईरान, एक जो नई चीज सामने खड़ी है कि ईरान को कैसे जवाब देना है। तो ये ऐसा एक बताया जाता है कि एक मीटिंग हुई है जिसमें नेतन्याहू थे, योव गैलेंट थे, उनके पूरे IDF के चीफ और जितने अधिकारी थे, और उसमें एक प्लान तैयार किया गया है। देखिए जो ये भीतर खाने की बातें हैं, जैसे जो सोशल मीडिया में चर्चा में आती हैं या जो अखबारों में किस तरह से, हाँ, तो ऐसा स्पेकुलेशन है कि इसराइल की तरफ से शायद अब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला ना हो क्योंकि अमेरिका इस बात के लिए तैयार नहीं है। और देखिए अब ठीक है, ये तो हमने बात की, और ये भी कहा जा रहा है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल की तरफ से एक पैरेलल प्लान तैयार कर लिया गया है कि अगर न्यूक्लियर, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पे हमले नहीं करना है तो फिर करना क्या, तो फिर क्या करना है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो IRGC है, वहाँ की जो सेना है, ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं, जो एयर बेसिस हैं और जो नेवल पोर्ट्स हैं, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में उनको इसराइल की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया जाए। एक खबर और आई है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हिजबुल्ला ने लेबनान को लेकर कहा है कि अब इस पर युद्ध विराम होना चाहिए बिना गजा को सामने रखे हुए वहाँ के विध्वंस को सामने, क्योंकि इससे पहले हमने देखा हिजबुल्ला लगातार ये कहता रहा कि अगर इसराइल हमने नहीं रोकेगा गजा पर वो किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन ये पहला मौका है और पहली बार है कि वो भी कह रहा है कि अब लेबनान में हमले बंद होने चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि युद्ध कोई नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ से युद्ध और ज़्यादा कह सकते हैं भयंकर हो सकता है और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इस तरह का कदम क्या हमारे। देखिए लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से भी ये अपील की गई थी कि फौरन जो है सीज फायर यहाँ होना चाहिए, UN चीफ भी कह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए। उसकी वजह है कि पूरे साउथ लेबनान में और बेरूत में बहुत जबरदस्त जो है तबाही हुई है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं जो कि यहाँ से घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे मौत हो रही है, बच्चे परेशान हैं, है ना, महिलाएं जो है इसका शिकार हो रहे हैं। तो देखिए चाहे बात इसराइल की हो चाहे लेबनान की है, जब भी कोई युद्ध होता है तो दोनों तरफ ही बड़ा भीषण नुकसान होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सीज फायर फौरन होना चाहिए, रोकने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन
दोनों हाथ से ताली तभी बजती है जब दोनों हाथ ताली बजाएं, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरफ जो है वो हथियार भी, हाँ, एक तरफ शांति की बात भी होती रहे और दूसरी तरफ हमले भी जारी रहें और जो हथियार भी प्रोवाइड किए जाते रहें। तो अब ये स्थिति जो है वो ऐसी है कि देखिए, खामेनेई का जो अभी पिछला संदेश उन्होंने दिया, जो उन्होंने नमाज अदा करवाई, उनके हाथ में जो गन थी उसमें वो मैसेज साफ था इसराइल को, पूरी दुनिया को उन्होंने जो मैसेज देना था वो दे दिया। पुतिन खामेनेई के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, ये बात अमेरिका भी समझ रहा है, ये बात इसराइल भी समझ रहा है। तो अब इसराइल का अगला कदम, और देखिए जो योव गैलेंट रक्षा मंत्री जो अमेरिका गए हैं 24 घंटे के लिए जा रहे हैं, या शायद पहुंच भी गए हों, वो अगले 24 घंटे में अमेरिका से क्या तय करके वापस लौटते हैं और उसके बाद इसराइल क्या करता है, ये अपने आप में तय कर देगा कि कहां जा रहा है मामला। चलिए ठीक है, कहां जा रहा है मामला, क्या इजराइल हिचक रहा है ईरान पर हमले से, और अगर ये सारी चीजें बातचीत होती है तो फिर इसके बाद आगे इजराइल का अगला कदम क्या होगा और ईरान भी इसे लेकर क्या सोचता है, इस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहे हैं और आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए।